Hello everyone, welcome to Divine Soul Cave and I'm Kajal Verma and I am bringing a very good video, very latest tarot prediction video for all the zodiac signs. I know that you know aap meri jo prediction videos hai wo bahut pasand kar rahe ho and un messages ke sath aap resonate bhi bahut acche se kar rahe ho. So that's why I've thought that ab aane wala hai August month mein 8-8 ko लॉयंस पोर्टल गेट राइट एंड इट इज़ वेरी पावरफुल डे. सो लॉयंस पोर्टल ओपन होने वाला है. वट एवर मैनिफेस्टेशंस यू हैव यू कैन डू ऑन दिस डे पर्टिकुलर डे एंड बहुत अच्छी एनर्जी है, बहुत ही पॉजिटिविटी है. सो लॉयंस पोर्टल का क्या स्पेशल मैसेज है हमारे हर एक जोडिक साइन के लिए वो मैं लेके आई हूँ आज इस वीडियो में. सो गाइज Before initiating the video, I just want to request you that please, आप you know जैसे प्यार देते हो हमें वैसे ही देते रहिए. And if you have not subscribed my channel, then subscribe जो है वो ज़रूर कर लें. So time stamps जो है वो मैं देने वाली हूँ in the description. तो you can you know directly jump on your zodiac sign and उसकी जो भी predictions होंगी आप वो easily सुन सकते हो. And if you resonate with the video, then it's okay, you can follow it. And if you don't resonate with it, then aap isko ignore kijiye and follow kijiye apne intuition ko. So guys, jo zodiac signs hain, wo aap sun sign ya moon sign, jo bhi aap follow karte ho, us hisab se aap is predictions ko follow kar sakte ho. And let's start the video. सो आज लॉयंस पोर्टल गेट के लिए हम जो मैसेजेस हैं वो यूज़ करने वाले हैं इस डेक में से. एक मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स डेक एंड द सेकंड वन इज एंजल गाइडेंस और एंजल मैसेजेस फॉर ऑल द ज़ोडियक साइन. सो पहला जो है वो है हमारा एरीज के लिए. सो एरीज के लिए क्या स्पेशल मैसेज है लेट्स चेक आउट. जिनकी मेष राशि है तो उनके लिए ये वाला स्पेशल मैसेज होने वाला है लॉयंस पोर्टल गेट का. सो हम एंजल डेक में से पहले मैसेज निकालते हैं फॉर एरीज एंड अब मैं यूनिवर्स फ्रॉम डेक में से मैसेज निकालने वाली हूँ एरीज का. सो वी हैव टू कार्ड्स एंड क्या मैसेज है. सो एंजल आपको कहना चाहते हैं कि आने वाले एक साल में आप बहुत ज़्यादा ग्रो करने वाले हो, सक्सेस आपको मिलने वाली है एंड आपकी लाइफ कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म होने वाली है. यानी जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे, जो भी आपके सवाल होंगे वो अगले एक साल के अंदर अंदर पूरे होने वाले हैं. एंड इफ़ आई टॉक अबाउट द यूनिवर्सल मैसेजेस तो उनका कहना है कि आपको ना अपना जो विजन बोर्ड है वो अपडेट करने की ज़रूरत है. अपडेट इन द सेंस कि न्यू एडिशंस आप ऐड कीजिए, नए गोल्स जो हैं वो आप ऐड कीजिए एंड आपको डायरेक्टली यू नो यूनिवर्स जो है क्लियरली पूछ रहा है कि राइट डाउन योर आस्क. जो भी आपकी आस्क्स हैं वो राइट डाउन कीजिए, विजन बोर्ड क्रिएट कीजिए बिकॉज यूनिवर्स जो है बहुत एक्साइटेड है आपकी हर एक विश को पूरा करने के लिए. सो ऑल द बेस्ट टू ऑल द एरीज एंड आई होप दैट ये मैसेज से आप पॉजिटिव हुए होंगे, रेजोनेट हुए होंगे एंड आप इसको यू नो फॉलो करने वाले हो अपनी लाइफ में. सो विदाउट एनी डिले हम मूव करते हैं हमारा जो नेक्स्ट जोडिक साइन है दैट इज हमारा जो टॉरस. यानी टॉरस और वृषभ राशि के लिए जो भी मैसेजेस हैं वो मैं पिक करने वाली हूँ अब एंड लेट्स स्टार्ट. वाओ, सो वेरी नाइस मैसेजेस जो हैं वो टॉरस के लिए आ रहे हैं. सो टॉरस आपका जो फर्स्ट मैसेज है दैट इज़ चूज योर डायरेक्शन. यानी अब लाइफ में एक ऐसा फेज है कि आपको आपकी जो डायरेक्शन है वो चूज़ करनी पड़ेगी. मतलब अगर एक रास्ते पे चल रहे हो और उस रास्ते पे आपको प्रॉपरली चीज़ें नहीं मिल रही हैं, गोल्स अचीव नहीं हो रहे हैं, इश्यूज आ रहे हैं, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, देन यू कैन स्विच योर पाथ. एक नई डायरेक्शन ढूंढिए, एक नई होप ढूंढिए बिकॉज क्या पता कि एक नई होप से आपका जो नया काम है जो नहीं बन रहा था वो बन जाए. सो फाइंड आउट द न्यू पाथ. एंजल्स का क्लियरली मैसेज है ये. एंड अगर मैं बात करूँ मैसेजेस फ्रॉम यूनिवर्स की तो वो कह रहा है योर गट फीलिंग इज़ पावरफुल, ट्रस्टेड.
मतलब इस टाइम पे अगर आपको कोई इंट्यूशन आ रहा है, किसी काम को लेके इंट्यूशन आ रहा है, सो दैट इज क्लियरली इंडिकेटिंग दैट अपने इंट्यूशन को फॉलो किया जाए. अपने इंट्यूशन को अगर हम फॉलो करेंगे देन वी विल डेफिनेटली रीच एट आर गोल्स, वी विल डेफिनेटली गेट अ सक्सेस. एंड हमारा इंट्यूशन जो है वो हमें स्ट्रांगली गाइड कर रहा है करेक्ट पाथ के लिए. ओके, सो आई होप दैट टॉरस यू लाइक दिस, यू नो, लॉयंस पोर्टल का जो मैसेज है. एंड आई नो दैट इन डायरेक्शंस को, इन गाइडिंग मैसेजेस को फॉलो करके आर गोइंग टू अचीव एवरीथिंग इन योर लाइफ. सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट ज़ोडियक साइन, दैट इज जेमिनाई. यानी जिनकी भी मिथुन राशि है तो उनके लिए देखते हैं लॉयंस पोर्टल जो है वो क्या स्पेशल मैसेज लेके आ रहा है. सो द फर्स्ट कार्ड फॉर यू इज जेमिनाइज, फॉरगिवनेस. मतलब कहीं चीज़ों में, किसी चीज़ों में आप स्टक हो इस टाइम अपनी लाइफ में, यू आर नॉट फॉरगिविंग द पीपल, यू आर नॉट फॉरगिविंग द सिचुएशंस. सो इट इज़ क्लियरली इंडिकेटिंग दैट अब उन चीज़ों को लेट गो करने का टाइम है. एंड आप अब अपनी लाइफ पे क्लियरली फोकस कर लीजिए, फ्यूचर का, प्रेजेंट का सोचिए. जस्ट रिलीज ऑल द गिल्ट, फियर्स, ट्रॉमास, जो भी रिलेटेड है आपके पास्ट को लेके. सो अगर आप उनको प्रॉपरली रिलीज करते हो तो आप अपने आप के लिए कर रहे हो, अपनी ग्रोथ के लिए कर रहे हो. सो उन चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं रह गया है, कोई यू नो मायने नहीं रह गए हैं. सो क्लियरली फॉरगिव पर्संस एंड अपनी लाइफ में मूव ऑन कर जाओ. एंड द नेक्स्ट कार्ड इज़ यू विल रिसीव द लव यू डिज़र्व, यू डिज़र्व ग्रेट थिंग्स. सो यूनिवर्स जो है वो आपको क्लियरली इंडिकेट कर रहा है, फॉरगिवनेस करोगे तो आपके लिए बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं, बहुत सारी ग्रेट चीज़ें हैं जो आप डिज़र्व भी करते हो एंड यूनिवर्स आपको देना भी चाहता है. सो इफ़ यू रियली वॉन्ट यूनिवर्स का स्पेशल स्पेशल चीज़ें, देन यू हैव टू लेट गो, यू हैव टू रिलीज ऑल द पास्ट बिलीव्स, ऑल द पास्ट सिचुएशंस. एंड जहाँ पे भी आप स्टक फील कर रहे हो उन सारी सिचुएशंस को आप रिलीज कर दीजिए. सो ऑल द बेस्ट टू ऑल द जेमिनाइज. सो गाइज, अगर आपको ये मैसेजेस अच्छे लग रहे हैं, अगर आपको ये गाइडेंस पसंद आ रही है, तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल. सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट ज़ोडियक साइन, दैट इज कैंसर. यानी जिनकी भी कर्क राशि है उनके लिए हम पिक करने वाले हैं लॉयंस पोर्टल का स्पेशल मैसेज. सो फ्रॉम मैसेजेस फ्रॉम यूनिवर्स टेक्सी. सो कैंसेरियंस, आपके लिए कार्ड आ रहा है इफ यू बिलीव. सी, बहुत कुछ हम तब अचीव कर पाते हैं जब हम कॉन्फिडेंस के साथ वो चीज़ें करते हैं, जब यू नो हमारे में बिलीव होता है कि यस वी कैन डू दिस, यस वी कैन अचीव दिस, राइट. सो अगर आपका किसी चीज़ में बिलीव है, अगर आपका किसी चीज़ में फेथ है, तभी वो काम करने का फ़ायदा है. सो अगर आप बिलीव नहीं करते हो, अगर कोई फेथ नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि वो काम आप मन से नहीं कर रहे हो. सो वर्क ऑन योर बिलीव्स, राइट. अगर आपको कोई चीज़ पसंद है, पैशन लग रहा है, उसमें इंटरेस्ट लग रहा है, तो वो चीज़ें डेफिनेटली कीजिए, बिकॉज आप अपना 100% दोगे उसमें. द नेक्स्ट कार्ड फॉर यू इज दैट कि अपनी थिंकिंग, अपने में कॉन्फिडेंस एंड पॉजिटिव अप्रोच लानी शुरू कीजिए. यूनिवर्स वॉन्ट्स टू टेल यू कि जो भी आप करना चाहते हो, ही इज़ विद यू. The universe is with you and it's, you know, a very beautiful thing that ki universe ka support hai aapko. But apne intuition, apni power, apni, you know, subconscious mind ki jo approach hai, wo aapko sahi karni padegi. Right? So great things are on the way, just believe on yourself. So all the best to Cancerians. So ab baat karne wale hain hum hamare next ज़ोडियक साइन की. जो ये ज़ोडियक साइन है दैट इज लियो. तो लियो के लिए लेट्स सी लॉयंस पोर्टल गेट का क्या मैसेज है.
सो आपके लिए जो मैसेज आया है दैट इज फॉरगिवनेस. सो लियोज, आप भी स्टक हो कहीं ना कहीं अपने कामों में, कहीं ना कहीं यू नो लोगों में, बातों में, पास्ट की सिचुएशंस में. सी, इट इज़ क्लियरली इंडिकेटिंग कि ये कोई भी आपका फ़ायदा नहीं हो रहा है उन चीज़ों में स्टक रह के. सी, यू नीड टू क्लियरली सी द न्यू पाथ. ठीक है, नई सोच, नई होप, नया रास्ता आपको ढूंढना है सो दैट आप क्लियरली उन चीज़ों को भूल पाओ एंड नए रास्ते पे जाके अपनी नई मैनिफेस्टेशंस को आप क्लियरली अचीव कर पाओ. सो द नेक्स्ट कार्ड, यूनिवर्स वो कहना चाहता है, डू नॉट बी अफ्रेड टू आस्क फॉर व्हाट यू वांट, यू नो दैट दे वुड हैव आस्क्ड फॉर द सेम. सो लोग जो हैं, ठीक है, उनसे अपनी फीलिंग्स, उनसे अपनी चीज़ें, उनसे यू नो क्या चाहते हैं आप, ये चीज़ें आपको एक्सप्रेस करनी पड़ेंगी. किसी को भी अपने आप नहीं पता चलेगा आप क्या फील कर रहे हो, आप क्या चाहते हो एंड कैसे आप चाहते हो कि वो आपको ट्रीट करें. सो यू हैव टू टेल देम. लोगों को बताना पड़ता है एंड सिचुएशंस में खुद को एक्सप्रेस करना पड़ता है एंड ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल के ज़माने में. अगर आप चाहते हो कि लोग आपकी सुने, वो आपको फॉलो करें, राइट, तो अगर आप एक्सप्रेस करना शुरू करते हो तो दिस विल क्रिएट अ वेरी 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 गुड पाथ फॉर यू. सो गाइज, आई होप दैट यू आर एंजॉइंग द लॉयंस पोर्टल गेट मैसेजेस. सो आज मैं नेक्स्ट जो है वो बताने वाली हूँ वर्गो के लिए. सो वर्गो यानी जिनकी भी कन्या राशि है उनके लिए क्या मैसेजेस हैं फ्रॉम लॉयंस पोर्टल गेट. सो लेट्स चेक आउट. आई एम टू मच यू नो एक्साइटेड फॉर द मैसेजेस. आई होप दैट आप लोग भी होंगे एंड वीडियो देख रहे होंगे. तो गाइज, शेयर ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए सो दैट लोगों तक ये मैसेजेस पहुंच सकें, लोगों तक ये पॉजिटिव गाइडेंस पहुंच सके एंड लोग अपनी लाइफ में इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सकें. सो वर्गो, आई होप दैट आप एक्साइटेड हो. सो लेट्स चेक आउट योर मैसेजेस. ओके, सो वर्गो, द फर्स्ट एंजल कार्ड फॉर यू इज अनलाइकली. मीन्स दैट यू नो इफ समथिंग इज हैपन्ड इन योर लाइफ एंड चीज़ें सही से नहीं हो रही हैं, अप्रोच सही से नहीं हो रही है, सो जस्ट वेट, राइट. एंड समटाइम्स ऐसे होता है कि कुछ नापसंद चीज़ें, कुछ नापसंद सिचुएशंस में आपको रहना पड़ता है, यू आर लाइक फेड अप फ्रॉम दोज थिंग्स, बट आप चाहते हो कि उनसे आप जल्दी निकल जाओ. सो अभी जो टाइम है वो थोड़ा सा पेशेंस वाला टाइम है. सरेंडर कर दो, चीज़ों को अपने आप होने दो, अपने आप यू नो आगे बढ़ने दो, जस्ट गो विद द फ्लो, राइट. बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करने की अभी कोई ज़रूरत नहीं है बिकॉज वो एफर्ट्स का भी कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला. तो एंजल्स वॉन्ट टू टेल यू लाइक थोड़ा सा पेशेंस रखो, थोड़ा सा वेट करो. एंड नेक्स्ट थिंग इज़ इफ यू आर वेटिंग फॉर योर लव्ड वंस, यानी कोई सोलमेट पार्टनर की ज़रूरत है, सो दिस इज़ अ मैसेज दैट इज़ वेरी गुड फॉर यू. बी पेशेंट, दिस पार्क ऑफ लव will arrive exactly when it needs to. मतलब अगर आपको you know किसी का इंतज़ार है, you love someone, you want someone in your life and that person will definitely come up in your life, but थोड़ा सा patience रखना पड़ेगा आपको because universe is you know picking the best partner for you. So time तो लगता है जब आपको best चीज़ मिलनी होती है. So Virgos, clearly angels and universe का message यही था कि पेशेंस रखो, बेस्ट थिंग्स आर ऑन द वे एंड आपको डेफिनेटली बेस्ट चीज़ें ही मिलने वाली हैं. सो गाइस, मिड तक हमने जो सोडिक साइंस हैं वो कवर कर लिए हैं एंड नेक्स्ट जो है वो हम अब बात करने वाले हैं दैट इज लिब्रा. यानी जिनका भी तुला राशि है उनके लिए लॉयंस पोर्टल गेट का क्या है स्पेशल मैसेज. सो लॉयंस पोर्टल गेट यू नो वेरी पावरफुल डे टू मैनिफेस्ट एनीथिंग. कुछ भी मैनिफेस्ट करना हो आप कर सकते हो. यूनिवर्स जो है क्लियरली सुन रहा है आपको. सो फॉर लिब्रास, ओके, सो लिब्रास, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन था ड्यूरिंग दिस यू नो व्हाइल वॉचिंग दिस वीडियो, सो उसका आंसर है यस.
यूनिवर्स वॉन्ट्स टू टेल यू, द एंजल्स वॉन्ट टू टेल यू, येस यू आर गोइंग टू बी विन, राइट, यू आर गोइंग टू गेट द सक्सेस, बिकॉज एंजल्स आर देयर, एंजल्स आर हेल्पिंग यू आउट, एंड वॉट एवर सिचुएशन यू आर फेसिंग, कुछ भी सिचुएशन फेस कर रहे हो, कोई भी काम में स्ट्रगल कर रहे हो, वो अब कंप्लीट होने वाला है एंड सक्सेस जो है वो आपको मिलने वाली है. एंड द नेक्स्ट थिंग इज दैट कि अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो एंड इफ यू फील दैट यू नो कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, कुछ नहीं हो रहा है, पता नहीं कब चीज़ें सही होंगी, क्लियर कब होंगी, सो दिस इज़ द राइट साइन दैट यूनिवर्स हमें शो कर रहा है कि आप सही पाथ पे हो, सही चीज़ें कर रहे हो, एंड यूनिवर्स जो है वो आपकी हेल्प करने वाला है. आप बहुत अच्छी ग्रेट चीज़ें डिजर्व करते हो इन योर लाइफ. एंड इफ़ आई टॉक अबाउट द रिलेशनशिप थिंग्स, तो कुछ नई रिलेशनशिप्स भी शुरू हो सकती हैं, सो जस्ट हैव पेशेंस एंड यूनिवर्स को अपना काम करने दो, बिकॉज वो आपके लिए एकदम मैजिकल पाथ क्रिएट करने वाला है. सो लिब्राज, दिस इज़ अ वेरी वेरी ग्रेट साइन फॉर ऑल ऑफ यू, एंड आई होप दैट यू आर गोइंग टू फॉलो ऑल ऑफ दीज इंस्ट्रक्शंस, गाइडेंस, प्रेडिक्शंस, व्हाटएवर यू कॉल. सो नेक्स्ट जो हमारा जोडिक साइन है दैट इज स्कॉर्पियो. एट्थ जोडिक साइन स्कॉर्पियो, जिनकी भी वृश्चिक राशि है, तो लेट्स सी उनके लिए क्या मैसेज है. सो गाइज, दिस इज द मैसेज फॉर स्कॉर्पियोज, एंड लेट्स सी एंजल कार्ड में से कौन सा मैसेज है स्पेशल आप लोगों के लिए. सो वाह, सो स्कॉर्पियोज, आपके लिए जो फर्स्ट कार्ड आया है वो एंजल्स की तरफ से आया है, येस. सो इट्स अ बिग येस, मींस सक्सेस, रिजल्ट्स, पॉजिटिविटी, अबंडेंस, फाइनेंशियल ग्रोथ, ये सारी चीजें जो हैं वो आपको अचीव होंगी बहुत जल्दी. जिस पाथ पे चल रहे हो चलते रहो, एंड जितना हार्डवर्क कर रहे हो वो सेम करते रहो, बिकॉज इट श्योरली यू नो गिव्स यू द बेस्ट रिजल्ट्स. एंड द नेक्स्ट थिंग इज लाइक कि अगर यू नो कभी कभी ऐसे होता है कि फोकस हमारा जो है वो नहीं रहता है, एंड हमको लगता है समटाइम्स डाउट वाली सिचुएशन आ जाती है, वेदर वी आर ऑन अ राइट पाथ और नॉट. सो फॉर यू द यूनिवर्सल मैसेज इज दैट कीप मेडिटेटिंग एंड बिलीविंग इन द पावर ऑफ द यूनिवर्स, गुड थिंग्स आर ऑन द वे. सो इफ़ यू फील दैट यू नो कि फोकस नहीं है, मेडिटेशन कीजिए, काम डाउन कीजिए, अपनी एनर्जी को ग्राउंडिंग कीजिए खुद की, एंड जिस पाथ पे चल रहे हो वो चलते रहो, बिकॉज गुड थिंग्स आर ऑन द वे. ये लॉयंस पोर्टल लेके आने वाला है बहुत अच्छी वाली ग्रेट थिंग्स इन योर लाइफ, एंड वो आप डिजर्व भी करते हो. सो स्कॉर्पियोस, जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ. ओके सो गाइज, हम लॉयंस पोर्टल के लिए यू नो ये सारी प्रेडिक्शंस कर रहे हैं, मैसेजेस आपके लिए मैं ला रही हूँ, बट आप मुझे फीडबैक में जरूर बताना आपका कौन सा जोडिक साइन है, आपको प्रेडिक्शंस कैसी लगी है, एनी सजेशंस यू वांट टू गिव मी. एंड सेकंड थिंग इज दैट डोंट फॉरगेट टू शेयर द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू यू नो सब्सक्राइब द चैनल. सो दिस इज द अल्टीमेट मोटिवेशन फॉर मी टू ब्रिंग आउट न्यू वीडियोज एवरी वीक फॉर ऑल ऑफ यू. सो नेक्स्ट जो हमारा जोडिक साइन है दैट इज सेजिटेरियस, यानी जिनकी भी धनु राशि है उनके लिए चेक करने वाले हैं कि कैसा रहने वाला है लॉयंस पोर्टल उनके लिए. सो जिनकी भी धनु राशि है, जो भी सेजिटेरियस हैं, सो दिस मैसेज इज for you and this is a very good message. So अगर आपका कोई काम है, if you have planned something, कुछ नया start करने वाले हो, तो you can start it in 2024. So आपका जो year है वो success का, growth का, achievements का, वो बनता है 2024. 2023 में आपको hard work, patience and continuous efforts करते रहना है in order to do your work peacefully, in order to get the success in next year. सो मेजर जो शिफ्ट्स हैं, मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस हैं, वो दिख रही हैं हमें 2024 में. एंड द नेक्स्ट मैसेज फॉर यू इज दैट
कि फाइनेंशियल ग्रो जो है वो आपकी होने वाली है बहुत अच्छी. सो आपके पास आज कल परसों सबके लिए पैसे रहने वाले हैं. वेन एवर यू फील कि पैसे नहीं है, फाइनेंशियली डाउन जा रहे हो, तो कहीं ना कहीं से अनएक्सपेक्टेडली मनी जो है वो आपकी लाइफ में आने वाली है. सो आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड साइन कि फाइनेंशियल अबंडेंस जो है वो लॉयंस पोर्टल गेट आपके लिए खोलने वाला है आपकी लाइफ में, एंड आप क्लियरली फाइनेंशियली स्टेबल होने वाले हो. सो नेक्स्ट जो जोडिक साइन है दैट इज कैप्रिकॉर्न, यानी जिनकी भी मकर राशि है. सो लेट्स सी द मैसेजेस फॉर कैप्रिकॉर्न. सो कैप्रिकॉर्न आपके लिए जो मैसेजेस हैं, लेट्स चेक आउट. सो आपके जो मैसेजेस हैं दैट इज Whatever you are manifesting, वो in the near future बहुत जल्दी पूरा होने वाला है. So whatever your manifestations, wishes, जो भी काम आप कर रहे हो, universe, angels want to tell you that, you know, in the near future, वो आपका सारा काम में help करने वाले हैं. They are going to bless you with the good results. And the next thing is like money is flowing in abundance. If you haven't received it yet, it is well on its way. सो मनी कार्ड आया है बहुत ही अच्छा. तो ये कहना चाहता है कि इस टाइम पे इफ यू आर फेसिंग एनी काइंड ऑफ मनी इश्यूज, राइट, देन आपकी लाइफ में बिल्कुल भी आप टेंशन मत लो, बिकॉज आपको लॉयंस पोर्टल गेट जो है वो मनी अबंडेंस के साथ ब्लेस करने वाला है. सो जो मनी है वो आपकी लाइफ में आने वाली है बहुत ही जल्द. जस्ट बी पॉजिटिव एंड हैव फेथ ऑन द यूनिवर्स. So it's just a blessing for all of you. And let's move on to the next zodiac sign, that is Aquarius. So jinki bhi kumbh rashi hai. So let's check out the messages for Aquarius. I'm sure guys, आप ये वीडियो को एंजॉय भी कर रहे हो एंड मैसेजेस की वैल्यू एंड इम्पोर्टेंस भी समझ रहे हो, बिकॉज क्लियरली लॉयंस पोर्टल के जो मैसेजेस हैं वो बहुत ही यू नो मायने रखते हैं. एंड लेट्स सी अक्वेरियस के लिए क्या है. सो अक्वेरियस आपके लिए जो एंजल गाइडेंस आया है दैट इज क्लियरली इंडिकेटिंग दैट यू हैव टू टेक एक्शन, यानी अपनी लाइफ में अभी आपको एक्शन लेने की जरूरत है. अगर कुछ काम है जिसमें आप थोड़ा सा लिथार्जिक हो रहे हो, आप प्रोकेस्टिनेट कर रहे हो, आप कह रहे हो कि बाद में कर लेंगे, अभी तो कुछ फायदा नहीं है, बट इट इज नॉट गोइंग टू गिव यू एनी बेनिफिट. आपको अब एक्शन लेना है, एफर्ट्स करने हैं सो दैट आप रिजल्ट्स जो है वो टाइमली आपको मिल सके. एंड द नेक्स्ट थिंग इज लाइक मनी बेनिफिट, मनी अबंडेंस. सो यूनिवर्स इज सेइंग दैट आपके पास इनफ फंड्स होने वाले हैं, अनएक्सपेक्टेड फंड्स भी आ सकते हैं आपको कहीं ना कहीं से, एंड मनी मेकिंग की तरफ आप ध्यान दोगे तो आप इजिली मनी को अट्रैक्ट कर सकते हो अपनी लाइफ में. सो गाइज दिस इज सच अ ब्लेसिंग कि इस बार लॉयंस पोर्टल फाइनेंशियल अबंडेंस, लव अबंडेंस सबकी लाइफ में लेके आ रहा है. सो आपकी लाइफ में जो ये मैसेजेस हैं ये क्लियरली शो कर रहे हैं दैट यस मिरेकल इज गोइंग टू हैपन इन योर लाइफ. सो बी पॉजिटिव. सो गाइज लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट जोडिक साइन दैट इज पाइसेस, यानी जिनकी भी मीन राशि है. सो लेट्स सी मीन राशि वालों के लिए क्या है गाइडेंस लॉयंस पोर्टल की. सो पाइसेस आपके लिए लॉयंस पोर्टल पे क्या मैसेज है. सो अगर मैं एंजल्स की बात करूंगा, इस एंजल मैसेजेस जो हैं दैट इज क्लियरली सेइंग दैट सक्सेस, पॉजिटिव रिजल्ट्स, अबंडेंस, प्रोस्पेरिटी, एवरीथिंग इज ऑन योर वे. एंजल्स से अगर हेल्प चाहिए तो वो भी आपको मिल सकती है, बिकॉज एंजल्स आर ऑलवेज अराउंड यू एंड दे वॉन्ट टू हेल्प यू, बट वो क्या है कि अपनी मर्जी से आपकी हेल्प नहीं करेंगे, यू हैव टू रिक्वेस्ट दैम. वेन एवर एंजल्स अराउंड यू, लाइक जब भी आपको एंजल्स नंबर दिखे या कोई भी ऐसा साइन शो हो कि आपको यू नो एंजल्स की प्रेजेंस फील हो, तब आप एंजल्स से अपनी जो आस्क है वो जरूर कहिए. सो एंजल्स विल डेफिनेटली हेल्प यू इन अ प्रॉस्परस वे.
Next thing is that universe wants you to keep yourself calm and grounding is very much important. Means energy का जो balance है वो होना बहुत जरूरी है आपकी life में. So अगर आप energy balance कर लेते हो तो आप easily manifest भी कर पाओगे, आप इजिली फोकस भी कर पाओगे अपनी काम पे, अपनी इच्छाओं पे, अपने पाथ पे, अपने गोल पे. सो कीप मेडिटेटिंग. मेडिटेशन इज द की गाइस. लॉयंस पोर्टल गेट वाले दिन भी आपको मेडिटेट करना है 10 to 15 minutes. एंड उसके बाद भी जब भी आपको लगे कि आपका फोकस हिल रहा है, यू कैन टेक द हेल्प ऑफ मेडिटेशंस. मेडिटेशंस आपकी लाइफ में एक ब्लेसिंग्स की तरह काम करने वाली हैं एंड वो क्लियरली आपके जो पाथ्स हैं उसको क्लियर करने वाली है, उसको अच्छा बनाने वाली है. सो गाइस, ये थे हमारे लॉयंस पोर्टल गेट के स्पेशल मैसेजेस फॉर ऑल द ज़ोडियक साइंस. टाइम फ्रेम जो है, टाइम स्टैम्प्स जो है, वो डिस्क्रिप्शन में बिल्कुल मौजूद है. आप डायरेक्टली क्लियरली जंप ऑन कर सकते हैं अपने ज़ोडियक साइन पे, उसको अच्छे से सुन सकते हैं. एंड हमें फीडबैक में जरूर बताइए आपको कैसी लगी ये वीडियो. एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल बिकॉज आई नीड अ मोटिवेशन एंड आई नो दैट आप मुझे मोटिवेट करते रहोगे सो दैट मैं आपके लिए नई नई वीडियोज लेके आती रहूं ऑन माई चैनल. And wish you all the best and sabki life mein prosperity aaye. Thank you for watching guys. Take care. Have a blessed day.